अपने आप राशि भी हम लोगों को भी लगता है वो जम्मू कश्मीर छोड़ के जाए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये फाइल इमरजेंसी का एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे ये वसीम आजाद एक कैंडिडेट है, ये आज की डेट में अपॉइंटेड है। और ये जो वहाँ बिलाल शाह उस समय जो हेड कर रहे थे याकूबदार, उनका बहुत क्लोज है, उनका रिश्तेदार है। अब ये अंडर हाइट है, आप फोटो में देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस है। प्रॉक्सी कैंडिडेट ये बैठा है, रिक्रूटमेंट में गया है प्रॉक्सी कैंडिडेट। ये फायर एंड एमरजेंसी रिक्रूटमेंट का जो बात है उसकी, हम बाकी सबकी अंडर हाइट की बात नहीं कर रहे अभी। तो एमरजेंसी जो फायर एंड एमरजेंसी की रिक्रूटमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन ये तो सामने डॉक्यूमेंट है। एक नाम जो बार बार वो कह रहे थे कि एक भी भर्ती प्रक्रिया, हम तो एक डॉक्यूमेंट के साथ लेके आए हैं, करा लीजिए इसका सबके सामने। एक चयन प्रक्रिया का जो मेन रहता है कि हाइट मेजर करना, अंडर हाइट है। ये तीन नाम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फायर एंड एमरजेंसी में से, ये वो है जिनके पास आरबीए था ही नहीं 2013 में, लेकिन 20 में जब वो सिलेक्ट होते हैं तो आरबीए कैटेगरी में सिलेक्ट होते हैं। कैसे? इसके अलावा फायर एंड एमरजेंसी रिक्रूटमेंट को अभी तक स्क्रूटनाइज, ये देखिए मोहम्मद याकूब डार के जो हेड कर रहा सुपरविजन इसकी थी, इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट हुई वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है डिपार्टमेंट की भी। इसके अलावा जो गोयल साहब के अंडर कमेटी नहीं है उसके अंदर भी, लेकिन उसकी जो आप देखेंगे जांच ना रिपोर्ट आई। और ये जो कमेटी बन गई थी, ये डिपार्टमेंट की इंटरनल है, इस कमेटी की रिपोर्ट में आया कि कोई भी रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है, रिकॉर्ड ही गायब है। कैसे रिकॉर्ड गायब हो सकता है? सीसीटीवी फुटेज जो वीडियोग्राफी हो रखी है, मैं सिर्फ इसकी कहता हूँ वसीम आजाद की वीडियोग्राफी देख लीजिए, और जो आज की डेट में नौकरी कर रहा है उसकी वीडियोग्राफी देख लीजिए। हमें दिखाइए पब्लिक में, जैसे कुछ न्यूज पेपरों को ये देते हैं फोटो देते हैं, सरकार दे या इनका इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो पब्लिक करे अपने ट्विटर हैंडल से, ये दोनों फुटेज हैं हम मानेंगे। ये पूरे झूठे जो दावे कर रही है सरकार, प्रशासन जो कर रहा है, अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो ये रिपोर्ट हम दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली में बैठी सरकार उसको हम दिखाएंगे कि कैसे जो यहाँ दावे, झूठे दावे यहाँ खड़े होकर किए जाते हैं मीडिया के सामने, जो झूठे तथ्य यहाँ से वहाँ भेजे जाते हैं, कितनी रिक्रूटमेंट होगी उतनी होगी, सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट हुई नहीं, लोग धांधलियाँ करके लग रहे हैं। कार्रवाइयाँ नहीं करने के बाद आज आप देखेंगे तो दावे कर रहे हैं कि हम बाहर चले गए, ड्यूटी से बाहर चले जाएंगे।